हेलो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अकरित एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और आज एक नया व्लॉग बनने जा रहा है। सो आज हम क्या क्या करेंगे? आज कुछ तूफानी करते हैं। तूफानी क्या करते हैं? वैसे भी तूफान वाला मौसम हो रखा है, तुम लोग देख सकते हो। वैसे भी लाइफ एक तूफान आया हुआ है, पहले भी आया, बहुत देर से चल रहा है, ये तो चलते रहता है ना। हाँ, और उसी के साथ साथ एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी है एक तरीके से। हाँ, खुशखबरी है यार, क्या बोलते हैं हम, हर आदमी कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ हमें सफलताएं मिलती हैं वहाँ वहाँ हमारा डेरा लग जाता है। तो हमें वहाँ पे, इस घर से हम मूव ऑन होके अब घर दूसरे घर पे जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो काफ़ी अच्छा मिल गया घर वहाँ पे और सस्ता भी था। सो हमने सोचा क्यों ना वहाँ चलते हैं, यहाँ पे काफ़ी महंगा ही हो रहा था और इतना बड़ा कमरा है भाई, उसको यूज़ भी नहीं कर रहे थे हम यार, बहुत परेशान कर रहा था बंदा यूज़ की, पैसे की कोई बात नहीं है, बहुत परेशान था कर रहा। He was not good man. चलो कोई नहीं, अब जो होता है सो होता है, लालच तो हर किसी के मन में आ जाती है, ठीक है ना, तभी तो इसे माया कहते हैं। चलो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा काम करवाने के लिए, और वो तुम्हें इन फ्यूचर पता चलेगा हम जो जाते रहते हैं इस चीज़ के लिए वो क्या चीज़ें थी, इन फ्यूचर में तुम लोगों को पता चलेगा उसका। बाकी तुम लोग प्रे करना कि भाई जो कुछ भी हो सफल हो, अच्छा हो हमारे लिए। एंड वैसे भी जो सतगुरु करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, वैसे भी अच्छा ही चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। और उसी के साथ साथ एक और गुड न्यूज़ है, वो तो मैं अभी नहीं बताएंगे, वो नेक्स्ट व्लॉग तक पता चल जाएगी तुम लोगों को, जब हम वहाँ पे घर स्विच करेंगे ना यहाँ से वहाँ पे, तो तब तुम्हें बताएंगे कि भाई क्या गुड न्यूज़ है, और बहुत जल्दी तुम लोगों को पता चलेगी वो गुड न्यूज़। बाकी अभी चलो चलते हैं वहाँ पे जिस काम के लिए जा रहे हैं, देन आगे तुम्हें पूरा दिन दिखाते हैं कि किस तरीके से घर गया, और घर आके हमने पैकिंग कर रहे हैं तो वो भी चीज़ लोगों तुम लोगों को दिखाते हैं भाई किस तरीके से सब चीज़ें मेस्ड अप हो रखी हैं और कैसे हम उसको क्लियर करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं इस ब्लॉग की यहाँ से। अभी घर आ चुके हैं और तुम लोगों को देख दिखा सकता हूँ भाई, ये देखो ये सब कुछ चल रहा है, पैकिंग हो रखी है यहाँ पे, ये सामान वगैरह सब इसमें डाल रखे, कपड़े वगैरह, इतने ज़्यादा सामान हो गया था कि बैग भर रखे हैं, ये वाले बैग भर रखे हैं, और इसके अलावा ये तो बैग भर रखे हैं, और अभी भी थोड़ा बहुत ये सामान पड़ा है, इसको पैक करना है, और वहाँ पर शूज़ पड़े हैं, और उस अलमीरा के ऊपर भी मेरा सामान पड़ा है, बहुत कुछ अभी पैकिंग करने वाला पड़ा है और बहुत कुछ पैक हो रखा है, बट अभी भी हम लगे पड़े हैं, बट देखो क्या बनता है। और बहुत जल्दी यहाँ से निकलेंगे, एक नए घर पे जाएंगे, उस घर पे अच्छे से रहेंगे, वहाँ पे भी 2-3 साल निकालेंगे,
फिर आगे देखेंगे जो बढ़िया होगा हमारे लिए। बढ़िया बढ़िया ही होना बेटा, बढ़िया ही है, बढ़िया ही है, ठीक है ना। और अभी गए थे थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए, थोड़ा सा काम था, और लेके आए एडवाइस, लेके आए अच्छी सी एडवाइस मिली, और अब हम वहाँ उस पर काम करेंगे बहुत जल्द, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे और लाइफ बढ़िया बनाएंगे। मौसम तुम लोग देख सकते हो बहुत ही सुहावना मौसम हो रखा है, बाहर इतने अच्छे अच्छे बादल आ रखे हैं, कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है ना एकदम ही, कितना शानदार लग रहा है। अरे व्यू काश ऐसा ही बना रहे उस दिन के लिए जिस दिन की मेरे को बहुत सब्री से इंतज़ार है, जिसका कितना शानदार लग रहा है, उसका कलर ग्रे ही बहुत बढ़िया आ रहा है। अभी सुबह का कुछ खाना पीना खाया पिया नहीं है, खाते हैं पीते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, रिलैक्स होते हैं, और फिर चलते हैं कहीं फिर से, ठीक है। ठीक है फिलहाल के लिए इतना ही है, और आगे तुम लोगों को बाकी का दिन दिखाते हैं। अभी शुरुआत करते हैं इन सब चीज़ों को समेटने की, और ये जो बेड है ये वाला इसको फोल्ड करते हैं। अभी सब कुछ हमने खोल दिया है, ठीक है, तुम लोग देख सकते हो भाई, ये देख सकते हो ये बेड था हमारा, और इसको हमने खोल के परे मारा है, और उसके साथ वो सारे स्क्रू वगैरह जितने भी हमारे औजार हैं वो सारे उस लाल बैग के अंदर है, और ये सारा अब सही सलामत रहेगा। और कितनी ही बड़ी जगह थी यहाँ पे जो इस बेड ने घेर रखी थी, और अब ये सब कुछ परे हो जाएगा, हम ये जो गद्दा है अब नीचे डाल के सोएंगे सिर्फ एक दो दिन के लिए, देन वी आर फ्री नए घर के लिए। तो भाई बहुत टायरिंग था, मेरे हाथ ये देखो कैसे चिपका दिए हैं इसने, ये देखो वो इतना इतना नुकीला था ना, इसने मांस फाड़ दिया ब्रो। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं पापा को छोड़ने के लिए, सो भाई गुड बाय, जाओ आज काम पे, खुशी खुशी जाओ, खुशी खुशी आओ, और बस का इंतजार चल रहा है यहाँ पे, इनकी अंधेरा हो रखा है, अभी टाइम कितना हो रखा है, 6:30 सवा 6 हो रखे हैं, और रात ऐसे हो रखी है जैसे रात के 9-10 बज रखे हैं। ये भी अलग ही मज़े होते हैं रात के भी, सर्दियों के स्पेशली, सर्दियां हो जाती हैं 4-5 बजे ही अंधेरा पड़ जाता है, फिर वो जो ठंडी ठंडी हवा बाहर घूमने का जो मज़ा आता है वो अलग ही है। मन नहीं था पर आना पड़ा, और अब बाहर आना तो अच्छा लग रहा है। अभी हम जाएंगे ओल्डी, वहाँ से एक दो चीज़ें खरीदनी है, खरीद के वहाँ से फिर वापस जाएंगे, और देखते हैं अगर आगे दिखाने लायक कुछ होगा तो बढ़िया, नहीं तो वीडियो को वहीं पे ख़त्म करेंगे। फिलहाल तो आ गया यही सब कुछ है, अब बस का इंतज़ार करते हैं, जब बस आएगी इनको छोड़ेंगे और फिर हम आगे जाएंगे। तब तक तुम लोग लो नज़ारे यहाँ के ट्रैफिक के यहीं पास ही में। बस में बैठ चुके हैं वो और जा रहे हैं, रास्ते में ही होंगे इस वक्त, तो अभी हम भी रास्ते में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इस वक्त ओल्डी की तरफ, और ओल्डी से थोड़ा वो सामान खरीदेंगे अपने लिए भाई, थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह लेना, डिओड्रेंट वगैरह वो ख़त्म हो गया है तो वहाँ से मिल जाता है, थोड़ा चीप भी होता है और अच्छा भी होता है, दैट्स व्हाई आई यूज़ टू बाय द थिंग्स फ्रॉम देयर। अब चलते हैं वहाँ पे जाके चीज़ें खरीदते हैं। आप प्रोबेबली से कि वहाँ पे वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, सो आई वुड से कि मैं शायद ना बना पाऊँ, बाकी देखते हैं क्या बनता है। वहाँ स्टोर चलते हैं, स्टोर से सामान खरीदते हैं, देन खरीदने के बाद आई विल सी यू आफ्टर दैट। बाकी भाई ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है, अभी टेम्परेचर देखा 11 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, मज़ेदार टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर, घूमने फिरने लायक है।
और एकदम से अंधेरा छा गया यहाँ पे, और मेरी शक्ल कितनी गंदी सी आ रही है। बट एनी हाउ अभी चलते हैं आगे, खरीदते हैं। ओ भाई मिलता हूँ तुम लोगों से। ओ भाई जो चीज़ लेने के लिए गया था वो चीज़ तो मिले नहीं मेरे को वहाँ पे, तो खाली हाथ ही अब वापस जाना पड़ेगा। चलो एक बहाने शहर ही होगी। बहुत बढ़िया, पता नहीं क्या था ये, गया तो साइकिल वाला, रेडियो लगा रखा था इसने फ़ोन के ऊपर शायद से। बट एनी हाउ अभी घर चलते हैं और इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। और ऐसा कुछ खास नहीं था इस वीडियो के अंदर, जस्ट एक नॉर्मल डे था जो तुम लोगों को दिखाना था, और मेरे को भी काफ़ी टाइम के बाद यूट्यूब के ऊपर वापस आना था। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट मेड दिस वीडियो। और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाके ज़रूर देखें, काफ़ी इंजॉयमेंट कर रखा उसके अंदर। ये क्या था भाई, वो था ना पुराने टाइम के विंटेज मॉडल, वो था ये। बट और जो बात कर रहा था मैं, जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो जाके देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, और काफ़ी कुछ करा उसके अंदर। जाओ और जाके देखो, और मिलता तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगी वो दिवाली वाली, कोशिश करूँगा अच्छा बनाने की, बट जैसी भी होगी अच्छी होगी। बाकी मिलता तुम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ।